हेलो। अनंत राय जी ने अपने जीवन में दो बुक्स लिखी, फर्स्ट रहस्य में गिरनार और सेकंड गिरनार के सिद्ध योगी। आज हम दूसरी बुक स्टार्ट करेंगे। यह अनंत राय जी कहते हैं कि हरिद्वार से वापस आने के बाद कई दिनों तक मैं वहाँ के प्रभाव से मुक्त नहीं हो सका। वहाँ के सिद्ध संतों को, हरिद्वार की यादों को भूल नहीं सका। उस साधना का परमानंद जो अब लगता था जैसे कभी नहीं मिलेगा। सब कुछ मेरे पास था, परंतु उस साधना से प्राप्त खजाने को अभी गृहस्थ जीवन में रहकर नहीं खोलना था, बल्कि छुपा कर रखना था। इस वक्त अनंत राय जी अपने घर पर रहने लगे थे और अपने टीचिंग के करियर के बाद कोऑपरेटिव बैंक में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नाते सेवारत थे। लेकिन फिर भी एक जीवन मुक्त आत्मा होने की वजह से उनका मन गृहस्थ में लगता नहीं था, लेकिन वो उनका कर्तव्य था। और इसी बीच एक दिन ध्यान में एक प्रिय संत का चेहरा प्रकट हुआ और शब्द निकले, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है भाई, संसार में रहकर ऐसा अनुभव भी होता रहता है, उसे बहुत महत्व नहीं देना चाहिए। गृहस्थ जीवन के कर्तव्य पूरे करते करते थोड़ा एकांतवास भी करना चाहिए और एकांत में रहकर ज्ञान का चिंतन और मनन करते रहना चाहिए। वह आवश्यक इसलिए भी है कि संसार की काजल की कोठरी में दाग न लगे, इसके लिए प्रयत्नपूर्वक सावधान रहना चाहिए। अनंत राय जी कहते हैं, मैं सिद्धियां तो प्राप्त कर चुका, परंतु गृहस्थ आश्रम में रहकर मुझे यह सब गुप्त में रखना है, इसीलिए उसे अभी प्रकट करने में मैं समर्थ हूँ। इसलिए मुझे सामान्य गृहस्थ के समान देहाभ्यास रखकर चलना पड़ता है। और ऐसे ही एक दिन ध्यान करके जब मैं उठा सुबह, तो फिर गेट पर ओम नमो नारायण की ध्वनि सुनाई दी। दरवाज़ा खोलकर देखा तो एक भव्य साधु मूर्ति सामने खड़े थे। ये साधु सरयू दास जी के पूर्वाश्रय के छोटे भाई थे। दोनों भाइयों ने एक साथ ही दीक्षा ग्रहण करके संसार का त्याग किया था। घर पे उन्होंने खाना खाया, कुछ समय बिताया, आराम किया और फिर शाम को कुछ देर बाहर घूम आने की इच्छा व्यक्त की और अनंत राय जी उनके साथ चल पड़े। सिद्धेश्वरानंद जी उन्हें शमशान तक ले गए, वो भी पीछे पीछे अंदर गए। अभी कोई चिता जल रही थी, एक सुलगती चिता में कुछ अंगारे जल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे लोग चिता ठंडी करके थोड़ी देर पहले ही गए होंगे। चारों तरफ नज़र घुमाई तो लकड़ी के लट्ठों के बीच बैठकर मसानिया साधु के नाम से पहचाने जाने वाला साधु, अर्थी के साथ बंधे कच्चे चावल के आटे से बने लड्डू जो मुर्दे के पास से उठाकर फेंक दिए जाते हैं, उन्हें खा रहा था। दाढ़ी मूछ बेतरीब उलझी जटा वाला वो साधु कफन का कपड़ा ओढ़कर बैठा था। उसकी बड़ी बड़ी लाल आँखों के कारण वो बहुत डरावना लग रहा था, फिर भी उसका चेहरा सौम्य और प्रसन्न था। किंतु मुझे उसका खाने का ढंग बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने उसकी तरफ देखा नहीं। तभी सच्चिदानंद जी को देखकर उसने कहा, आप आ गए, कब आए? वो कहते हैं, मैं अचरज में पड़ गया। एक तो सिद्धेश्वरानंद जी ऐसे पागल साधु को जानते हैं और दूसरा उद्देश्य उनका मेरी उससे भेंट करवाना है, लेकिन क्यों? तभी उन्होंने कहा कि ये सिद्ध पुरुष नागानंद जी हैं, बरसों तक हिमालय में हमारे साथ ही साधना करते थे। जीवन मुक्त साधु हैं, देहाभिमानी नहीं है, लोगों को दूर रखने के लिए ऐसा करते हैं। सदा आत्मा में ही स्थिर रहकर यहाँ वहाँ विचरण करते हैं। और मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि ये तुम्हें साधना का ज्ञान देंगे। सभी धर्म समान हैं, ईश्वर एक है और सर्वव्यापी है, परंतु उसे प्राप्त करने के मार्ग अनेक हैं। साधक को सभी मार्गों को जानना चाहिए, तभी साधना परिपूर्ण होती है, ऐसी मान्यता है। श्री रामकृष्ण परमहंस ने सभी प्रकार की साधना की थी, परंतु यह याद रहे कि साधना से सिद्धियां अवश्य प्राप्त होती हैं, परंतु उन सिद्धियों की ओर ध्यान देने से साधक का पतन भी हो सकता है, मोक्ष का द्वार उसके लिए बंद हो सकता है। यह बात विशेष रूप से ध्यान में रखनी चाहिए। तभी मसानिया साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, आज से 12 दिन बाद अमावस्या की रात 12 बजे के बाद हमारी साधना शुरू होगी। यह सब सुनकर अनंत राय जी विचार में पड़ गए कि इस शहर में मेरी एक विशेष छवि है, उसके उपरांत मैं
अपने कार्य की दृष्टि से बहुत व्यस्त रहूं, ऐसी स्थिति में रात के 12 बजे अकेला शमशान में कैसे आ सकता हूं? और इस प्रकार मुझे शमशान में रोज़ आते देख किसी ने देखकर मेरे लिए धारणा बना ली तो मेरे विषय में शहर भर में अफवाह फैलने के कारण मैं बदनाम भी हो सकता हूँ। उसी वक्त मसानिया साधु ने खड़े होकर कहा, तुम्हारी चिंता स्वाभाविक है, परंतु मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं तुम्हें शक्तिपात देता हूँ जिससे तुम्हारे अंदर हिम्मत और शक्ति आएगी। इसलिए कितना भी काम करना होगा तुम्हें तनाव नहीं होगा, थकान नहीं होगी। और तुम्हें मैं अपनी अभिमंत्रित भस्म देता हूँ। घर से बाहर निकलने से पहले तुम कपाल पर उसका तिलक लगा लेना। इसके प्रभाव से तुम अदृश्य तो नहीं होगे, पर तुम्हें कोई देख नहीं सकेगा, अर्थात तुम्हारी और किसी का ध्यान ही नहीं जाएगा। तुम्हारा पैरों की आवाज़ या आहट भी कोई नहीं सुनेगा। इसलिए कोई तुम्हें देख लेगा अथवा कोई तुम्हें देख रहा है, ऐसा डर मत रखना, ऐसा विचार भी नहीं करना। तुम निर्भयता से आवागमन कर सकोगे। और यह सुनकर उनकी उलझन दूर हुई। सोच रहे थे इतना डरावना और भयानक लगने वाला साधु एकदम से पवित्र और सौम्य लगने लगा है। यूं तो ऐसे साधु हमेशा आत्मा में ही रहते हैं, लेकिन कभी कभी संयोगवश इस अवस्था से लोक कल्याण के लिए नीचे उतर आते हैं। शंकराचार्य ने भी इस प्रकार थोड़ा विद्या का अहंकार रखा था जिसे वे लोकोपदेश दे सकें। रामकृष्ण परमहंस भी शिष्यों के उद्धार के लिए बार बार समाधि से नीचे उतर आते थे, परंतु ऐसा तभी होता है जब ईश्वर चाहते हैं। हजारों साधकों या सिद्धों में कोई ही इस प्रकार का अहम भाव धारण करके समाधि से नीचे आ सकते हैं, क्योंकि बाकी तो ब्रह्मलीन हो जाते हैं। ऐसा कहते हैं कि समाधि लगने के तुरंत बाद 21 दिन तक उसके बाद साधक की मौत हो जाती है, वो पूर्ण रूप से ब्रह्मा में विलीन हो जाते हैं। और फिर वहाँ से वो घर की तरफ चल पड़े। और जब वापस जा रहे थे तो शाम होने को थी, तभी सामने एक निकट संबंधी बहन मिली। उसने उन दोनों को प्रणाम किया और बोली कि बहुत दिनों से आपसे मिलने की इच्छा थी परंतु आ नहीं सकी, आज अचानक से मिल गए, बहुत अच्छा हुआ, मेरा संकट दूर करो, मैं बहुत बड़ी समस्या में हूँ। वो रोने लगी और अनंतराय जी से कहने लगी, मुझे विश्वास है कि आप मेरी सहायता कर सकते हैं और आप मेरी सहायता करेंगे। अनंतराय जी ने कहा, निसंकोच कहो, मैं ज़रूर करूँगा। मेरे पति रात को पागल हो जाते हैं और मारपीट करते हैं, विकृत हो जाते हैं, बहुत भयानक। सुनकर अनंतराय जी को बहुत आघात लगा। इस महिला के पति बैंक में अच्छे पद पर नौकरी करते हैं, अभी तक ऐसे कोई चिन्ह उनमें दिखे नहीं थे। शहर में एक अच्छे और सुखी दाम्पत्य जीवन वाले माने जाते हैं, तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? उनके विवाह को भी मुश्किल से 2 साल हुए थे। तभी वो कहने लगी कि लगता है उनके शरीर में रात के 12 बजे कोई पुरुष भूत प्रवेश करता है। तब वो मेरे पति नहीं होते, कोई हैवान होते हैं, मैं उसका वर्णन भी नहीं कर सकती कि वो कैसा व्यवहार करते हैं। वो मुझे बांध कर मारते हैं, पलंग का एक पाया मेरे शरीर पर रख देते हैं। लोग क्या कहेंगे इस वजह से मैं किसी को कुछ कह नहीं सकती, केवल आपको बता रही हूँ। तभी उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो, रात 12 बजे के बाद तुम्हारे घर आकर देखता हूँ, फिर क्या करना है उसका निर्णय लेंगे। और ये कहकर उन्होंने उस बहन से विदा ली। तभी सिद्धेश्वरानंद जी ने कहा कि पूर्व जन्म के बैर भाव चलते रहते हैं, संसार की माया के कारण काम क्रोध आदि से मनुष्य प्रकृति के अनुसार एक दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। इन सभी व्यवहार व्यापार का प्रभाव उसके सूक्ष्म शरीर पर पड़ता है जो मृत्यु के बाद भी साथ आते हैं। मृत्यु के बाद प्राप्त नए जन्मों में वे आड़े आते रहते हैं। प्रकृति की ऐसी ही व्यवस्था अनुसार प्रत्येक जीव अर्थात मनुष्य को और अन्य जीवों को भी एक दूसरे के साथ कोई न कोई अच्छा बुरा व्यवहार होता रहता है। पूर्व जन्म के संबंधों के कारण ही प्रेम लेन देन बैर ईर्ष्या जैसे भाव एक दूसरे के साथ जागते हैं। इस बहन के विषय में भी ऐसा ही है, कोई प्रेत आत्मा इस बहन के पति की शरीर में प्रवेश करके इससे बैर निकाल रही है, बदला लेने का कोशिश कर रही है, अधूरी रह गई विकृत वासना को संतुष्ट कर रही है।
तभी बोले कि तुम्हें याद होगा कि सकुरानंद से गिरनार में एक बालक बलि को छुड़ाने के लिए तुम गए थे। तब अद्भुतानंद ने तुम्हें एक माला दी थी, वही माला पहनकर तुम उस बहन के घर जाना, उससे तुम्हें उस बहन की सहायता करने में सफलता मिलेगी। घर जाकर सिद्धेश्वरानंद जी के साथ सत्संग में बैठे और कुछ देर बाद फोन की घंटी बजी। सामने से कोई परिचित प्रोफेसर की आवाज़ आई, सुना है आपके यहाँ कोई सिद्ध संत पधारे हैं, यदि आप कहें तो हम दोनों उनके दर्शन को आ जाएं। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन रात के 12 बजे से पहले पहले आ जाइए। तभी एक बच्चा आया, उसने कहा कि मंदा बहन ने कहा है कि आप आज नहीं, दो दिन बाद रविवार को आइए। मंदा बहन वही जो थोड़ी देर पहले उन्हें रास्ते में मिली थी। इस बारे में अनंत राय जी सोच रहे थे कि उनके पति कमलेश जब उनके साथ होते हैं तो ही प्रेत उनके शरीर में प्रवेश कर मंदा बहन से बदला लेता है। इसका मतलब उस प्रेत का पता लगाकर मंदा को छुड़ाना था। हाँ, इसका कोई समाधान उनके पास नहीं था, लेकिन विश्वास था कि नागानंद जी इसमें सहायता कर सकते हैं। अधिकांश ऐसी प्रेतात्माएं शमशान या किसी निर्जन स्थान में भटकती हैं, इसलिए नागानंद जी ऐसी आत्माओं के साथ संपर्क में होते हैं, यह निश्चित है। इसके अलावा दो दिन बाद ही यह कार्य हाथ में लेना था, तो थोड़ा आराम था। और तभी प्रोफेसर दंपति उनके घर आए सिद्धेश्वरानंद जी से मिलने के लिए। थोड़ी ही देर बाद प्रोफेसर दंपति हमारे घर आ गए थे सिद्धेश्वरानंद जी से मिलने के लिए। प्रोफेसर साहब तत्वज्ञान के विषय के साथ PhD हैं, उनको साधुओं के सभी संप्रदायों के विषय में गहरा ज्ञान है। उनके बैठते ही सिद्धेश्वरानंद जी ने कहा, तुम्हारे पूर्व जन्म के संस्कार ऊंचे हैं, इसीलिए तुम दोनों सुख से आनंद में रहते हो। इसके अतिरिक्त तुम मोक्ष प्राप्ति के लिए साधना करने की क्षमता और इच्छा रखते हो। तभी प्रोफेसर साहब ने कहा, महाराज मुझे आत्मज्ञान द्वारा अपने स्वरूप को जानने के विषय में ज्ञान तो है, परंतु यह है कि जब अपने स्वरूप को ही जानने से, जन्म मरण के टल जाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, तब शास्त्र में जप तप महायोगिक क्रियाएं, उपासना योग क्रियाएं आदि करने को कहा गया है, उसका क्या कारण है। अतिरिक्त इसके वेद में भी कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड, ये तीन अंग हैं, इसका कारण आप मुझे समझाइए। तभी बाबा ने कहा, जप तप होम हवन यज्ञ जो जो कर्म किए जाते हैं वे अंतःकरण की शुद्धि के लिए होते हैं। ऐसी उपासना से सांसारिक फल की प्राप्ति या सिद्धि होती है और योग क्रिया से चित्त एकाग्र होता है। चित्त की शुद्धि और एकाग्रता के बिना ज्ञान नहीं मिलता, क्योंकि कर्म उपासना योग ये तीन ज्ञान प्राप्त करने के साधन रूप हैं। ऐसे जैसे रसोई बनाना हो तो आटा बर्तन चूल्हा लकड़ी सब साधन चाहिए, किंतु अग्नि के बिना रसोई नहीं हो सकती, उसी प्रकार ज्ञान बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। यह शरीर पंच महाभूत का बना है, आत्मा देह नहीं है। मनुष्य देह को मैं हूँ मान लेता है, भाई तेरा मेरा कहकर जायदाद बांट लेते हैं, परंतु उनको इतना भान नहीं कि यह देह ही तेरी नहीं तो जायदाद कहाँ से होगी। वैद्य की जब मृत्यु आ जाती है तो उस मृत्यु को टालने को वैद्य स्वयं भी शक्तिमान नहीं है, तो फिर मृत्यु शैया पर पड़े रोगी को वो कैसे ठीक करेगा। परंतु जीव में अनादिकाल से अहम तत्व चिपका हुआ है, इसलिए वह पंच महाभूत के बने देह को स्वयं है मानता है। सिद्धेश्वरानंद जी ने उन्हें कहा कि अब मैं कुछ दिन यही रुकने वाला हूँ, रोज शाम को आइए हम सत्संग करेंगे। उनके जाने के बाद उन्होंने अनंत राय जी से कहा, अद्भुतानंद की दी हुई माला पहनकर ही निकलना, तुम्हारे काम आएगी, वो चमत्कारिक माला है। तुम भटकती हुई आत्माओं को भी देख सकते हो, परंतु उनकी तरफ ध्यान मत देना, अपना काम पूरा करके उस प्रेत आत्मा से दुखी बहन के पास होते आना। तभी दूसरे दिन अनंत राय जी वो माला पहनकर ऑफिस के लिए निकले। वो कहते हैं कि मुझे रास्ते में अनजानी सी भीड़ दिखी, मैं आश्चर्यचकित हो गया। इसमें कई चेहरे जो बाजार में मिलते थे मेरी पहचान के थे, जो वर्षों पहले मर चुके थे। कई परछाइयां जैसे चेहरे इधर उधर घूम रहे थे। आश्चर्य की बात तो यह थी कि आते जाते वाहनों के बीच होते हुए भी अवरोध नहीं बन रहे थे, गाड़ी उनके ऊपर से जा रही थी, वे पारदर्शक हवा के झोंकों जैसे लगते थे। मैं समझ गया कि ये अद्भुतानंद जी की माला का प्रभाव है। मैं असंख्य मृत आत्माओं को यहाँ वहाँ भटकते हुए इस माला के कारण देख पा रहा था। मुझे
सचमुच कठिनाई हो रही थी, ऐसी आत्माओं की तरफ मेरा ध्यान जा रहा था, उससे दुर्घटना भी हो सकती थी। मैंने माला निकाल कर जेब में रख ली। अब मैंने देखा तो रास्ते पे ज़्यादा भीड़ नहीं थी, कुछ वाहन और मनुष्यों का आना जाना था बस। मुझे पता है कि हमारे आसपास सैकड़ों की संख्या में आत्माएं घूमती रहती हैं। वे कठोर पदार्थों के बीच से होकर गुजरती हैं, हमारे शरीर में से होकर गुजर जाती हैं। वे इतनी सूक्ष्म होती हैं, पारदर्शक होती हैं कि हमें पता नहीं चलता। पृथ्वी में ऐसे कितने ही पड़ होते हैं जो हम आध्यात्मिक शक्ति के बगैर नहीं जान सकते। इस विश्व में ऐसे कितने ही विश्व समाए हैं, कितने ही डायमेंशंस हैं, इसका अनुभव मुझे गिरनार के निवास और प्रवास के समय हो चुका है। ऑफिस जाने के बाद अनंत राय जी कहते हैं कि मैंने मंदा बहन के पति कमलेश के ऑफिस के कर्मचारी को जाते हुए देखा। अनायास उसका ध्यान मेरी ओर होने पर मैंने उसे ऊपर आने को कहा और उससे कमलेश के बारे में कुछ पूछा कि वो अब क्या करते हैं। उसने कहा कि सुना है उनकी तबीयत ठीक नहीं। हाँ, कोई खास बीमारी तो नहीं, लेकिन नियम के अनुसार ऑफिस का सारा काम तो करते हैं। लेकिन मैंने उनसे बात करते सुना है कि आजकल उन्हें कमज़ोरी और थकान लगती है, नींद नहीं आती है। अपने फैमिली डॉक्टर डॉक्टर कटारिया से वो मिले हैं, उन्होंने कहा कि थोड़ी खून की कमी है। अनंत राय जी कहते हैं डॉक्टर कटारिया मेरे मित्र थे। ऑफिस का काम ख़त्म करके मैं उनके पास पहुंचा और कमलेश के बारे में पता किया। उनसे बात करने पर पता लगा कि खास कोई रोग तो नहीं है, लेकिन शरीर बहुत कमज़ोर हो गया है। मैंने उन्हें ताकत की दवाई दे दी है। अनंत राय जी कहते हैं मैं समझ गया, प्रेतात्मा कमलेश के देह में प्रवेश करके उनके शरीर को काट रही है और कमलेश को इसके बारे में कुछ नहीं पता। इससे उसके प्राण भी जा सकते हैं, उसको जल्दी ही मुक्त करना होगा। और ये उन्होंने मन ही मन निश्चय लिया।